नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों 26 मई 2019 दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन आप सभी के लिए हाजिर है। दोस्तों आज के मुख्य समाचारों में बताई जाने वाली बहुत सी खबरें सरकार की तरफ से, सभी खबरें काफी महत्वपूर्ण है और आपके लिए एक एक खबरें चयन करके लिए लाई गई है। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखेगा, आपको इसका जरूर फायदा होगा। वहीं दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पर लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और आपका शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की अपडेट मिलती रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं की पहली बड़ी खबर अपडेट है कि बीजेपी मैनिफेस्टो। जी हाँ दोस्तों, भाजपा को मिली बंपर जीत, अब चुनौती इस संकल्प पत्र को लागू करने की होगी। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा इलेक्शन 2019 में अब की बार फिर नमो सरकार। लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजों से तस्वीर साफ हो चुकी है कि मोदी सरकार एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ जीत चुकी है और ये जीत काफी बड़ी है। और बड़ी जीत के साथ ही भाजपा के सामने बड़ी जिम्मेदारी भी आएगी और जिम्मेदारी उस संकल्प पत्र को लागू करने की होगी जिसे चुनाव से पहले जनता के सामने रखकर कमल का बटन दबाने के लिए सरकार ने गुंजाइश की थी। और संकल्प पत्र के हिसाब से ही सरकार को अब इसे लागू करने के लिए बड़ी जिम्मेदारी होगी। इसमें बड़े बड़े वादे जो है वो जनता से किए गए थे, जैसे कि आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। जी हां दोस्तों, भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में देश की सुरक्षा, राम मंदिर निर्माण और किसानों के हित में कई वादे किए थे और इन बम्पर जीत के बाद में अब इन वादों को पूरा करने का सरकार का जो वक्त है वो आ चुका है। वहीं बुजुर्गों को पेंशन की योजना का लाभ मिलेगा और भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में किसानों के लिए भी कई वादे किए थे और एनडीए ने भारी बहुमत मिलने के बाद अकेले के दम पर 300 सीटें जीत लिया और अब वो बुजुर्गों को जो पेंशन है योजना है वो नए तरीके से शुरू करेगी और उसे बढ़ाने की कोशिश भी की जाएगी। इसी के साथ दोस्तों क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत में भाजपा ने देश में सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ाने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत करने का वादा किया था जिसे अब निभाने का वक्त आ गया। इसी प्रकार से छोटे दुकानदारों को पेंशन और महिला सशक्तिकरण का वादा भी सरकार ने किया था और वहीं हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का वादा भी सरकार ने किया था जो कि अब निभाने का वक्त आ गया। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर अपडेट निकलकर आ रही है कि अमूल के बाद मदर डेयरी दूध भी हुआ है महंगा, 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ी है कीमतें। जी हाँ दोस्तों, अमूल के बाद में अब मदर डेयरी के दूध की कीमतें भी बढ़ गई हैं और मदर डेयरी में किसानों से खरीदी की कॉस्ट जो है वो बढ़ने के कारण शुक्रवार को अपने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है और नई कीमतें शनिवार यानी कि 25 मई से लागू हो चुकी है। और हालांकि अमूल के बाद में अब मदर डेयरी का यह फैसला भी इसीलिए अहम है क्योंकि एक दिन पहले ही जो है लोकसभा के चुनावी नतीजे आए थे और उन्हीं वजह से माना जा रहा है कि इसमें बढ़ोतरी की गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि मोदी को पूर्ण बहुमत मिलते ही शुरू हुई है बजट की तैयारी, किसानों और नौकरियों पर रहेगा फोकस। जी हां दोस्तों, चुनाव परिणाम के बाद में भाजपा के नेतृत्व वाली ये सरकार ने पूर्ण बहुमत मिलने के वादा वित्त मंत्रालय वित्त वर्ष 2018-19 का पूर्ण बजट बनाने में जुट गया और मंत्रालय से जुड़े हुए सूत्रों की जानकारी दी गई है कि लोकसभा चुनाव के कारण ही वित्त वर्ष 2018-19 में सरकार के द्वारा अंतरिम बजट पेश किया गया था। सूत्रों के अनुसार पूर्ण बजट जुलाई में पेश किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि पूर्ण बजट में नई सरकार का फोकस पूरी तरह से किसानों, नौकरियों और निवेशकों पर होगा। जी हां दोस्तों, मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि आम बजट की तैयारियां वर्तमान में सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को तेजी लाने के उद्देश्य से की जा रही है। मंत्रालय का मानना है कि लोकसभा चुनाव के प्रचार से पहले ही अर्थव्यवस्था में सुस्ती आ गई है और उसे अब बड़े बड़े तरीके अपनाए जाएंगे जिससे बड़ी से बड़ी नौकरियां जो है ज्यादा ज्यादा निकाली जाएंगी, वही किसानों को भी इसमें बड़े लाभ मिलेंगे। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि 30,00,000 करोड़ की लागत से देश में बिछेगी सड़कें, रेत का जाल, नौकरियों की होगी भरमार। जी हां दोस्तों, चुनावी घोषणा पत्र में देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 100,00,000 करोड़ रुपए खर्च करने का वादा करने वाली भाजपा को अब इस पर काम करना शुरू कर दिया। और भाजपा पार्टी से जुड़े हुए सूत्रों के अनुसार तथा हवाले से प्रकाश एक मीडिया रिपोर्ट में सामने आए कि 100,00,000 करोड़ रुपए में से सबसे ज्यादा 30,00,000 करोड़ रुपए वो परिवहन सेक्टर में खर्च किए जाएंगे और सूत्रों के अनुसार अगले 5 वर्ष में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए देश में सड़क और रेलमार्ग का जाल बिछाया जाएगा जिससे कि नौकरियों का भी सृजन ज्यादा से ज्यादा होगा, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिलाने के लिए बीजेपी की प्राथमिकता रहेगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर अपडेट निकलकर आ रही है, 18 राज्यों से लोकसभा में कांग्रेस के नहीं होंगे एक भी सांसद। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव में तथा कांग्रेस को केवल करारे हार का ही सामना नहीं करना पड़ा है, उनके बादशाह जो कि टीम भाजपा के मोहरे से चेक और मात दे दिया गया और शतरंज की बिसात में बिछी बाजीगिरी खत्म मानी जा रही है। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी अमेठी से, स्मृति ईरानी से हार जाना पूरी पार्टी को गहरे सदमे में ले गई है और 100% कांग्रेस नेता को उम्मीद थी कि भले ही जीत का मार्जिन कम हो जाए लेकिन राहुल गांधी अमेठी से विजयी होंगे, लेकिन उनके बादशाह जो कहे जाने वाले यानी राहुल गांधी जो है अध्यक्ष हैं ये कांग्रेस के और यही हार गए अमेठी की सीट से, तो इसीलिए पूरी पार्टी काफी शोक में डूबी हुई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर अपडेट की बात कर लेते हैं, SBI दे रहा है तथा कार जीतने का शानदार मौका।
मौका 30 जून तक उठा सकते हैं फायदा। जी हाँ दोस्तों, देश के सबसे बड़े बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए तथा एक खास ऑफर की पेशकश की है। अगर आप भी SBI के ग्राहक है तो आपको हुंडई वेन्यू बुक कर नई हुंडई तथा सेंट्रो कार जीतने का मौका है। और इस ऑफर के लिए तथा आपके फोन में तथा योनो ऐप होना जरूरी होता है। ग्राहक इस ऑफर का फायदा केवल 30 जून तक ही उठा सकते हैं। SBI ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। अगर कोई भी SBI का ग्राहक योनो ऐप से तथा हुंडई वेन्यू कार की बुकिंग करता है तो उसे हुंडई सेंट्रो कार जीतने का मौका मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं और इस ऑफर का फायदा आप उठा सकते हैं। इसकी डिटेल जो है आप यहाँ पर थोड़ी सी और भी देख सकते हैं, साथ ही आप SBI की ऑफिशियल वेबसाइट जाकर भी इसकी डिटेल जो है वो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट है। एयरटेल डिजिटल टीवी ने पेश किया है तथा 6 रिचार्ज प्लान तथा 1 साल की वैधता के लिए देना होगा इतना शुल्क। जी हाँ दोस्तों, एयरटेल डिजिटल टीवी ने अपने यूजर्स के लिए तथा कुछ नए पैकेज जारी कर दिए और कंपनी ने 6 नए लॉन्ग टर्म प्लान पेश किए हैं तथा इनमें 6 महीनों से लेकर 1 साल तक की वैधता वाले प्लान है। इनमें से आप कई अलग अलग प्लान चैनलों के लिए अलग अलग प्लान बनाए गए हैं तथा इसमें पहले भी कंपनी ने कुछ रीजनल पैकेज पेश किए थे तथा ये प्लान जो है कंपनी ने रिलायंस जियो समेत अन्य ऑपरेटरों को टक्कर देने के लिए पेश किए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी तथा एयरटेल डिजिटल टीवी के कस्टमर है तो आप यहाँ पर प्लान की डिटेल्स हैं वो देख सकते हैं कि कौन सा प्लान 6 महीने का, कौन सा 12 महीने का, किसमें आपको क्या ऑफर मिल रहा है और कितने रुपए का, तो यहाँ पर डिटेल आप देख सकते हैं। और साथ ही अगर आपको इसके ज़्यादा डिटेल देखना चाहते हैं तो आप एयरटेल डिजिटल टीवी की यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहाँ पर आपको पूरी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर अपडेट की बात कर लेते हैं तो पूर्ण बजट में किसानों पर होगा सौगातों की बरसात, नई योजनाओं के साथ मिलेगा ज़्यादा सब्सिडी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री श्रम मानधन पेंशन योजना जैसी लोकप्रिय योजनाओं के दम पर फिर से केंद्र में आई मोदी सरकार एक बार फिर से लोकप्रिय योजनाएं लाने की तैयारी कर रही है। NDA को बहुमत मिलने के बाद में वित्त मंत्रालय में पूर्ण बजट तैयार करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं और सूत्रों में मिली जानकारी के अनुसार जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट में वित्त मंत्रालय किसानों को कृषि मद में 30% ज़्यादा धन का आवंटन कर सकता है। इसके अलावा किसानों के लिए तथा नई फ्लैगशिप योजनाओं का ऐलान भी किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस बार होने वाले बजट की घोषणा में किसानों को सबसे बड़ा फायदा होगा। किसानों के लिए अच्छी अच्छी योजनाओं जो सरकार ला रही है, जो किसानों ने मोदी सरकार पर भरोसा दिखाया है तो उसे पर मोदी सरकार जो है वो खरवा उतरने के लिए सभी प्रयास जो है अपने भरपूर प्रयास कर रही है। वही दोस्तों, जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट है तथा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 270 किलोमीटर दूर, ब्रह्मोस ने अपने टारगेट को किया हिट, इसके वार से दुश्मन करा उठेगा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स ने 22 मई बुधवार को दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया है, जो कि अपने निर्धारित टारगेट पर जाकर लगा है। और यह टारगेट 270 किलोमीटर दूर बनाया गया था, जिस पर ब्रह्मोस से अपना सटीक निशाना लगाया। और यह परीक्षण निकोबार आइसलैंड पर 22 मई की दोपहर करीब 2:50 पर किया गया था, जो कि सफल रहा था और इससे दुश्मन के दांत खट्टे करने में काफ़ी ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो काम आती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। पेट्रोल 3 दिनों में 36 पैसे हुआ है महंगा, जाने क्या आज की बढ़े हैं पेट्रोल और डीजल के दामों में क्या बढ़ोतरी हुई। जी हां दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का दौर लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। तेल विपणन कंपनियों ने शनिवार को फिर से तेल के दाम बढ़ा दिए। दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में पेट्रोल के दामों में 14 पैसे जबकि चेन्नई में 15 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और वहीं डीजल के दामों की बात की जाए तो दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में 12 पैसे, वहीं चेन्नई में 13 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार शनिवार को दिल्ली, कोलकाता और मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के दाम क्रमशः, आप देख सकते हैं दोस्तों, चारों महानगरों के पेट्रोल के भाव क्या रहे हैं और वहीं डीजल के चारों महानगरों के भाव भी आप यहां पर देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप अपने शहर या गांव का पेट्रोल और डीजल का भाव देखना चाहते हो तो IOCL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। उपभोक्ताओं और विक्रेताओं के लिए BSNL ने शुरू किया है तथा BSNL माई ऑफर। जी हाँ दोस्तों, तथा अगर आप भी BSNL के ग्राहक हैं तो आपके लिए भी खुशखबरी की बात है, क्योंकि BSNL ने अपने ग्राहकों के लिए खास सेवा देने जा रहा है। और दरअसल BSNL ने तथा BSNL माई ऑफर्स नाम से सुविधा शुरू कर दी है और इस ऑफर के तहत ग्राहकों और विक्रेताओं को उपभोक्ता उपयोग के पैटर्न के आधार पर सर्वश्रेष्ठ वाउचर चुनने का मौका मिलेगा। यानी कि उपभोक्ताओं और विक्रेताओं को दोनों को एक पास में ये विकल्प होगा कि वह अपने अनुसार श्रेष्ठ उपयोगी वाउचर का चयन कर सकते हैं, यानी आप अपना ऑफर जो है वो खुद तैयार कर सकते हैं। इसमें आपको कैसे चयन करना होगा, तो सबसे पहले आपको *121 हैश डायल करना होगा। यहाँ पर दोस्तों, वहाँ पर जाकर आप पूरा विकल्प देख सकते हैं और यहाँ पर आपको डिटेल जो आप अपनी स्क्रीन पर भी थोड़ी देख सकते हैं। साथ ही आप BSNL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी इसकी पूरी डिटेल जो है वो निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट है। 1.37 करोड़ नौकरियां तथा बीते साल संगठित क्षेत्र में मिली हैं तथा CSO ने दी है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO की रिपोर्ट के अनुसार मुताबिक वित्त वर्ष जो है 18-19 के दौरान ही संगठित क्षेत्रों में 1.37 करोड़ नौकरियां पैदा हुई हैं तथा CSO ने यह डेटा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO के सब्सक्राइबर्स की संख्या के आधार पर जारी किया है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2019 के महीने में तथा लगभग 8.27 तथा EPFO ग्राहकों को जोड़ा गया था और पिछले वित्त वर्ष के दौरान पेंशन
पेंशन फंड में सबसे अधिक सदस्यता जुलाई 2018 में लगभग 14.21 लाख करोड़ दर्ज किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इसी के अनुसार ही तथा सीएसओ ने यहाँ रिपोर्ट जारी की है कि पिछले साल जो है 1.37 करोड़ नौकरियां दी गई हैं। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट की, तो गूगल ने सर्च इंजन में किया है सुधार, मोबाइल यूजर्स का होगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, गूगल ने मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए तथा अपने सर्च इंजन में सुधार किया है और मोबाइल उपभोक्ताओं का ये अच्छे से समझ पाएंगे कि तथा कौन सी जानकारी कहां से आ रही है और वे किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर गूगल ने काफ़ी बड़ा अपडेट है वो सामने दिया है, जिससे सभी ग्राहकों को और सभी उपभोक्ताओं को इसमें बड़ा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये थी आज की दिन भर की बड़ी खबरें, बड़ी अपडेट। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को नीचे दिए गए लाल बटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों के अपडेट मिलती रहे। जय हिंद, धन्यवाद।